भारत विविधताओं से भरा देश है। इस देश में कई तरह के खेल हैं और उन खेलों में कई ऐसे नामचीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से उस खेल में अपना लोहा मनवाया। ऐसे ही एक खिलाड़ी आज हमारे साथ हैं। 50 इंटरनेशनल मेडल्स इनके नाम है, जिनमें से 19 गोल्ड मेडल हैं। और वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो पैरालंपिक बैडमिंटन में इनकी सिंगल्स में वर्ल्ड रैंकिंग है नंबर 3 और डबल्स में ये वर्ल्ड नंबर 1 रैंक के खिलाड़ी हैं। हम बात कर रहे हैं मनोज सरकार की। तो चलिए आज आपको मिलाते हैं मनोज सरकार से। हाय मनोज, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, थैंक यू सो मच आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों में बात पहुंचाने के लिए, शुक्रिया। मनोज, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका इंटरनेशनल करियर कैसा रहा, मतलब आप अपने दर्शकों को हमारे बताएं कि आपका जो इंटरनेशनल करियर शुरू हुआ और अब तक आपने कौन कौन सी उपलब्धियां पाई हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करें। जैसे कि आपको पता ही है, आपने बता ही दिया कि 50 अभी तक मेडल है मेरे पास, जिससे मैंने 34 इंटरनेशनल इवेंट खेले मैंने और उसमें 50 मेडल देश के लिए ला पाया। ये मेरे लिए गर्व की बात है। इसमें जब मैंने नेशनल्स खेलना स्टार्ट किया और नेशनल से पहले स्टेट खेलना स्टार्ट किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे पैरा के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। बचपन से खेल रहा हूँ लेकिन बैडमिंटन के बारे में पता नहीं था। जब बैडमिंटन के बारे में मालूम पड़ा तो पैरा के बारे में नहीं मालूम था। तो एबल बॉडी में स्टेट डिस्ट्रिक्ट से स्टेट नेशनल्स भी खेले, जोनल खेले, फिर यूनिवर्सिटी के नॉर्थ जोन खेले। देन फर्स्ट टाइम मैं कॉलेज में था और मुझे मौका मिला कि अपने एक सर थे, उनके बच्चे को मैंने हराया। स्टेट का मैच था, यूनिवर्सिटीज का, तो उन्होंने बताया कि ऐसे सब पैरा का गेम्स होता है। तो मैंने उनसे पूछा पैरा क्या होता है, तो बताते हैं कि पैरा लाइक जिसमें आप जैसे लोग इनके डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है वो लोग खेलते हैं। तो 2011 में नेशनल्स खेला और 2012 में मैंने इंटरनेशनल खेलना स्टार्ट किया और 2012 से लेकर अभी तक मतलब 34 इवेंट्स मैंने खेले और उसमें 50 मेडल जीते और उसमें रेगुलर भगवान की कृपा है, पेरेंट्स का आशीर्वाद है कि हर मेडल्स, हर एक टूर्नामेंट में मेडल्स आए हैं, कंसिस्टेंटली उसमें मेडल्स आए। तो ये मैं सभी का प्यार मानूंगा कि सभी का प्यार है जो यहाँ तक पहुँच पाया। वाकई ये सभी का प्यार है और आपकी मेहनत भी है। मनोज, एक आपका हमने कू देखा जिसमें आपने अपनी माँ जमुना सरकार जी के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। आपने कहा कि आप अपने सारे मेडल्स जो हैं वो अपनी माँ को समर्पित कर रहे हैं। तो हमने कई बार ऐसा सुना भी है कि आपके संघर्ष के दौर में आपकी माँ ने आपका बहुत साथ दिया है, तो बताएं कुछ किस तरह की जो संघर्ष का वक्त था वो किस तरह से था और माँ, आपकी माँ ने किस तरह से आपकी मदद की उस दौरान। देखिए, मेरी माँ की मैं दो बातें जरूर आपको सामने रखना चाहूंगा कि पहला चीज उन्होंने सिखाया कि अच्छा इंसान बनिए। तो मैं कोशिश में लगा हूँ कि अच्छा इंसान बन के जीऊं और लोग मुझे मरने के बाद भी याद रखें, ताकि मेरे अचीवमेंट से नहीं, मेरे व्यक्तित्व के रूप में मुझे जाने। दूसरा कि उन्होंने कहा कि जेलस 2 टाइप्स की होती है। किसी ने बाइक ली तो कभी मत कहिए कि वो बेकार बाइक है। हो सकता है उनका फाइनेंशियली बजट उतना था, तो आप कहिए कि अगर आपको बाइक लेनी है तो उससे बेटर लेनी है। ये दो चीज उन्होंने मुझे सिखाया और इस दो चीज की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और रही बात बैडमिंटन से रिलेटेड उनके लाइफ में, मतलब मेरी लाइफ में उनका जो मतलब प्रारूप है वो ये है कि जब मेरे पास रैकेट नहीं थे और मेरे कलीग्स के लिए, मेरे भाइयों के लिए, फ्रेंड्स के लिए रैकेट्स आए, तो मैंने कहा, पुश किया कि मुझे भी रैकेट चाहिए। मैं 2 दिन लगे, मुझे गिड़गिड़ाया, रोया, मार भी खाई। आखिर में उन्होंने बीड़ी बना के 10 रुपये का एक रैकेट दिलाया और वो जलस था मुझे कि वो 10 रुपये के रैकेट से मैं सबसे पहले अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को हराऊंगा। और यही जलस है कि वो आगे लेके जा रहा है। रही बात मेरे मदर की आगे की, वो मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे घर में छत तक नहीं थी, तो मैंने बैडमिंटन के थ्रू, बैडमिंटन की वजह से छत बनवाया। फिर उसमें हर एक छोटी सी चीज, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, एनीथिंग, मतलब मम्मी के लिए करा। तो जब वो मतलब सब कुछ ही उन्हीं के लिए करा और सभी उन्होंने ही सब कुछ मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत कुछ संघर्ष करा, मतलब खेतों में काम से लेकर बीड़ी बनाने से लेकर मटर तोड़ने से लेकर हर एक काम करा। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से। चलिए, आपकी माँ ने आपके लिए काफी कुछ किया है ये आपने बताया हमें, और स्पेशली वो बीड़ी वाला इंसिडेंट, जो किस तरह से उन्होंने आपको पहली बार लाइफ में रैकेट लाकर दिया और उस रैकेट से आपने किस तरह से घर को भर दिया सिर्फ अपनी माँ के लिए, काफी काबिले तारीफ है। मनोज, पैरा स्पोर्ट्स के फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं, मतलब जो अभी खेल है अभी हमारे भारत में उसको लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं या आगे क्या करना चाहिए, और पहले जो खेल था क्या उसमें कुछ सुधार हुए हैं अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दोनों पहलू आपके बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। पहला चीज की पहले से सुधार बहुत हुआ है,
इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है। मैं कहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो साई के थ्रू जो स्कीम निकाल रहे हैं वो बहुत अच्छी है। मतलब आप ये मान लीजिए लास्ट ईयर की बात कहूँ कि 2020 से पहले की अगर बात कहूँ तो पैरा के लिए बहुत सपोर्टेड था, लेकिन अब उनके जो विजन है वो ये है कि पैरा के लिए कोई भी चीज मना मत करिए, क्योंकि उनको दिखा 19 मेडल्स है और यही टारगेट है गवर्नमेंट का भी और हमारा भी कि पैरा स्पोर्ट्स को जो 21 इवेंट्स है पैरा ओलंपिक्स में वो सब में अगर हमने पार्टिसिपेट कर लिया, आप बिलीव नहीं करेंगे 19 मेडल्स तो आपने सिर्फ काउंट करे हैं, आई एम डैम श्योर कि वो 100 से अबव चले जाएंगे। हमें बस प्रॉब्लम्स ये है कि हमने 21 इवेंट में से इंडिया ने सिर्फ 9 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था तो 19 मेडल्स आए। तो अगर 21 इवेंट्स में अगर पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो मुझे लगता है ये आंकड़ा 100 के पार जाएगा, और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे साई का है, हमारी गवर्नमेंट का। और फ्यूचर क्या देखते हैं आप? फ्यूचर यही कहूंगा कि आपने सिर्फ 19 मेडल्स 54 प्लेयरों का देखा है, मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर ये 54 से ऊपर जाएगा, क्योंकि प्लेयर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने हमें टास्क भी दिया है और एक संकल्प के साथ ये कहा गया है कि हमारा भी दायित्व बन गया है कि हम नए प्लेयर जोड़े, नए प्लेयर को आगे लेके आए, और उनके लिए उन्होंने ये भी कहा गया है, मैं आपको बता दूं कि हमें स्कूलों में भी जाना है ताकि वहां पे कुछ नए प्लेयर्स जो भी आएंगे उनको हम मोटिवेट करें, अपने साथ जोड़े और उनको आगे बढ़ाए, ताकि फ्यूचर जो है वो न्यू जनरेशन के साथ स्टार्ट हो जाए। जब आप खेल में थे, आपने शुरुआत की इंटरनेशनल करियर की, तो कौन सी ऐसी जीत थी जिस जब आप जीते तो आपको लगा कि आपने सब कुछ पा लिया, तो कोई ऐसा वाकया आप दर्शकों से शेयर करें? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी लाइफ में दो ऐसी चीजें हुई। सबका सपना होता है ओलंपिक पैरालंपिक्स का, तो मेरा भी ड्रीम्स था कि मैं पैरालंपिक्स खेलूं। इवन जैसे आप मेरे घर का भी आएंगे देखेंगे, छत पे ही मैंने सीलिंग में ओलंपिक का लोगो लगा रखा है, ताकि मैं सोते जागते जब भी मैं उठूं या सोने से पहले उसको देखूं और वो विजन रहे आंखों में कि मुझे क्या करना है और किसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा भी सपना था ओलंपिक का, लेकिन मुझे ओलंपिक में जब मुझे ब्रॉन्ज मेडल जीता तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये ब्रॉन्ज मेडल भी मेरे लिए गोल्ड के बराबर, क्योंकि मैंने अपने देश के लिए वो मेडल हासिल करा और देश में एक और नंबर जोड़े हैं मेडल्स में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मेरे लिए खास करके गोल्ड मेडल इसलिए था क्योंकि मेरा पहला पैरालंपिक मेडल, तो मेरा टारगेट और मेरी भूख जो है वो बड़ी हुई है कि नेक्स्ट टाइम इसका कलर चेंज करना है, क्योंकि साइज सेम रहता है, वेट सेम रहता है, सिर्फ कलर चेंज करना है, तो नेक्स्ट टारगेट वही है कि उसका कलर चेंज करना है। लेकिन 2016 का एशियन चैंपियनशिप का मैं एक आपको वाक्य बताना चाहूंगा, उसमें मैं थोड़ा डाउनफॉल में चल रहा था और एशियन चैंपियनशिप 4 साल में एक बार होता है, तो वो मेडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स आए थे यूरोप को छोड़ के, क्योंकि बैडमिंटन जो है वो एशिया में बहुत स्ट्रांग पॉइंट माना जाता है, तो मैंने उसमें गोल्ड मेडल जीता था, तो वो भी एक इवेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा मेरी लाइफ। नहीं, आप बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, आपके हम शुभकामनाएं हैं हमारी आपको कि आपके जो मेडल का रंग है वो अगली बार जरूर चेंज होगा और ये गोल्ड में जरूर परिवर्तित होगा। मनोज, एक आपसे बात हो रही थी इंटरव्यू से पहले, आपने बताया कि किस तरह से एक फ्लाइट मिस होने की वजह से आपकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो उसके बाद फिर किस तरह का वो क्या वाकया था और फिर जब आपकी मुलाकात हुई तो क्या बातें हुई, कुछ बताएं। एक्चुअली 2018 की बात है, मुझे मुंबई जाना पड़ा था ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम से, और रिटर्न में हम लोग फ्लाइट मिस कर गए थे। मतलब मैं फ्लाइट इसलिए मिस कर गया क्योंकि मुंबई की ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और हम फ्लाइट मिस कर गए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप सेम फ्लाइट में जाने दीजिए, लेकिन नहीं जा पाए। और उनसे मुलाकात था क्योंकि एशियन गेम्स के मेडलिस्ट को सबको बुलाया था सर ने, तो मैं नहीं मिल पाया। तो मेरा टारगेट था कि मैं ओलंपिक पैरालंपिक जो होने वाले हैं इसमें मैं जीतूं और सर के साथ बात भी करूं फोन पे और सर के साथ पर्सनली मिलूंगी, और ये सपना मेरा पूरा हो पाया पैरालंपिक्स की वजह से, क्योंकि जब मैं ब्रॉन्ज मेडल जीता तो सर ने मुझे कॉल करा, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि देश के प्रधान व्यक्ति अगर मुझसे बात कर रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड था, नर्वस था, और बहुत अच्छा बात करने के बाद बहुत अच्छा फील कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने घर के किसी बड़े सदस्य से बात करी। और जब मैंने उनसे पर्सनली मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब पॉजिटिव व्यूज मेरे अंदर आ रहे थे उनकी थ्रू से, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण था। ये मनोज जिस मेडल की बात कर रहे हैं, मैं दर्शकों को बता दूं कि टोक्यो में पैरालंपिक बैडमिंटन में मनोज ने अभी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो उसके बाद इनकी मुलाकात हुई थी मोदी जी से, तो उसके लिए भी मनोज जी को शुभकामनाएं। अच्छा मनोज जी, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर कुछ लाइनें लिखी थी, मैं उसको कोट एंड कोट पढ़ के सुना रहा हूं। मुझे कोई जाने ना जाने क्या फर्क पड़ता है,
पर मेरी वजह से मेरे देश का नाम जाने, ये महत्वपूर्ण है। जब आप ये लाइनें लिख रहे थे कूपर, तो आपके मन में क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे आप? मैं इसके पीछे की एक छोटी सी घटना बताऊंगा। 2000 मुझे याद है 15 की बात है, तो हम इंग्लैंड में थे और हमने एक पर्सन से थोड़ी सी हेल्प मांगी, लाइक फोटोज के लिए, टीम फोटोज के लिए, कि सब लोग आ जाएंगे। तो चलते हुए एक सज्जन से कहा, लेडी थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उस दिन ऐसा लगा, लाइक वहां से हमें विजन ये मिला कि कुछ लोग हैं जो इंडिया को पसंद नहीं करते, कुछ कंट्रीज खास करके, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जो इंडियन को पसंद नहीं करता। तो उस दिन डिसाइड कर लिया था कि ऐसा कुछ काम करना है कि जहां पे भी जाए इंडिया का नाम ही हो। तो डिसाइड कर लिया था कि पोडियम में इंडिया का फ्लैग होना ही चाहिए। तो हमारा बस यही टारगेट रहता है कि मेरे वजह से अगर मेरा देश आगे बढ़ता है, मेरे लिए इससे गर्व की बात नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब देश आगे बढ़ेगा तो पूरे इंडिया को पूरे वर्ल्ड में जानने के बाद लोग ये कहेंगे कि इंडिया भी आज के टाइम में स्ट्रांग पॉइंट पे है स्पोर्ट्स में, तो ये मेरे लिए गर्व की बात होती है। एक चीज और मनोज, आप तो इंटरनेशनल खैर घूमते रहते हैं, इंटरनेशनली काफी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस दौरान कभी कुछ कड़वे अनुभव भी रहे होंगे, कुछ अच्छे अनुभव भी रहे होंगे, और आई एम श्योर कुछ फनी अनुभव भी रहे होंगे, कुछ मजा किया, कुछ अगर ऐसा कुछ हुआ हो कभी किसी भी आपकी इंटरनेशनल जर्नी के दौरान, अगर आप शेयर करना चाहें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं मेरे साथ। तो मतलब एक बहुत कड़वे अनुभव की बात बताऊं तो एक था, एक बार ऐसा था कि वीजा में थोड़ा सा इश्यू के चक्कर में मैंने पूरी रात जाग के दुबई में काटे, उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ 1990 है, तो 12 जनवरी की जगह पे 01 की जगह पे 10 हो गया था। अब बिलीव नहीं करेंगे, उस मिस्टेक की वजह से, मेरी मिस्टेक थी, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने उसे चेक नहीं किया था जब वीजा आया था, तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया और मैं पूरी रात उसमें रहा। और टारगेट ये ले लिया था कि इस टूर्नामेंट से, दुबई इवेंट था, मैंने टारगेट लिया कि दुबई में खेल के दुबई को ही जीत के जाना है, क्योंकि मुझे वो डिपोर्ट करने वाले थे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मैंने अनफॉर्चुनेट रहा कि मैंने कहा रूल्स पढ़ लेता हूँ, रूल्स पढ़ा तो मैंने उनसे जाके बात करी कि 24 आवर्स का टाइम मुझे देंगे आप, क्योंकि वो तो नियम में है। तो उसके बीच में फिर फ्लाई वीजा आ गया, नेक्स्ट वीजा आते ही फिर मैंने अंदर गया, फिर इवेंट स्टार्ट किया और विदाउट रेस्ट स्टार्ट किया और वो इवेंट जीता। वो मेरे लिए बहुत, मतलब बहुत ही एक्साइटेड मोमेंट था मेरी लाइफ का। एंड दूसरा स्पेन का एक छोटी सी घटना बताता हूँ मैं आपको, कि स्पेन में मुझे हल्की सी फाइनल से पहले फीवर था और मेरी लाइफ का बहुत बड़ा इवेंट था क्योंकि 3 मेडल मैंने लाइफ में पहली बार जीते थे। तो उसमें ऐसा माहौल था कि मुझे फीवर आ गया, तो मेरे दोस्तों ने, फनी मोमेंट की बात बता रहा हूँ, पूरी टीम मेरे साथ जुड़ी हुई थी, हम लोग पूरे जितने भी हमारे लड़के थे सब, कोई ऑमलेट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई मेरे कपड़े पैक कर रहा है, कोई किट पैक कर रहा है। तो आप, वो एक ऐसा इमोशनल मोमेंट था और ऐसा फनी मोमेंट था कि लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, केयर भी रख रहे हैं और साथ में मजाक भी कर रहे हैं, तो वो वाला बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरी लाइफ में। वाकई ये काफी अच्छा मोमेंट था। तो मनोज, एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि पैरा, अगर हम पैरा स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें कई नामचीन खिलाड़ी हैं, दीपा मलिक उनमें से एक हैं, आप एक पैरा स्पोर्ट्स की बात करें तो बड़े सितारे हैं पैरा स्पोर्ट्स में, तो जो नए खिलाड़ी हैं जो भी पैरा स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं अपनी शारीरिक अक्षमताओं से ऊपर उठकर आप लोगों की तरह, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं इस संदेश से पहले मैं ये कहूंगा कि संदेश सबसे पहले पैरालंपिक्स के बाद दो लोगों ने पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। पहला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो हमारे पीएम सर हैं मोदी जी, उन्होंने सबसे पहले संदेश दे दिया। दूसरा, मीडिया बहुत बड़ा काम कर रही है इसमें, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारी कहानी, हमारी बातें, मतलब पूरे इंडिया के हर कोने कोने, पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में जा रहा है। क्योंकि आप सोचिए, मैं बचपन से खेल रहा हूँ और 2011 में जाके मुझे मालूम पड़ा कि ऑलमोस्ट कुछ ना तो 17 ईयर्स बाद मुझे मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं पैरा के। और आज के डेट में मुझे लगता है कि इन 3-4 महीनों के अंदर, मुझे लगता है कि इंडिया के हर एक कोने में लोगों को पता होगा कि पैरा गेम्स भी होते हैं। तो ये सबसे मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा, हमारे मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगा कि देश के प्रधान व्यक्ति अगर ऐसे काम करते हैं तो सभी लोग साथ हो जाते हैं, और देश की मीडिया सपोर्ट में है तो फिर क्या ही कहे। तो मैं यही कहूंगा कि आप दोनों ने स्टार्ट कर दिया ये काम। अब रही बात हमारी, वो हमारा काम ये है कि हम लोग सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि प्लेयर सबसे पहले अपने घर से कदम निकाले। जब वो पहला कदम अपने घर से निकालेंगे, आई एम डेफिनेटली डैम श्योर कि सबसे पहले आपके पेरेंट्स, फिर आपके कोच,
फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब आपके साथ लग जाएंगे। पहला कदम आप निकालिए, उसके बाद सब आपके साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद देश में नए प्लेयर्स आएंगे आएंगे और साथ में मेडल्स के साथ हम दूसरे देश से मेडल अपने देश लाएंगे। खिलाड़ियों को तैयारी को लेकर क्या संदेश देंगे आप? मैं यही कहूंगा कि मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्यूचर का आशा ना करें। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने खेलना स्टार्ट किया था तो मैंने नहीं सोचा था मुझे अर्जुन अवार्ड मिलेगा, मैंने नहीं सोचा था मुझे और कोई अवार्ड मिलेगा कि या फिर इतना पैसा मिलेगा, वो चीज नहीं सोचनी है। आप खिलाड़ी हैं, खेलते रहिए, चीजें आपके साथ अच्छी चीजें जुड़ती हुई जाएंगी। आप आशा मत रखिए, क्योंकि आशा जिस दिन रखते हैं उस दिन बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप सिर्फ खिलाड़ी हैं, खेलते रहिए, आप मत सोचिए कि आप पैरा प्लेयर से या फिर एबल बॉडी के प्लेयर से, आप सिर्फ प्लेयर हैं और प्लेयर इक्वल होता है, ना उसमें जाति भेदभाव होता है, ना उसमें ऊंच नीच होता है, ना अमीर गरीब होता है, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, ना उसमें लड़का लड़की होता है, प्लेयर सिर्फ प्लेयर होता है। तो आप सिर्फ खिलाड़ी बन के खेलते रहिए, अच्छी चीजें आपके साथ जुड़ती हुए चले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि खिलाड़ी बनकर खेलते रहिए और अच्छी चीजें आपसे जुड़ती चली जाएंगी। मनोज, 2022 के क्या प्लान्स हैं अब आगे? कौन सा बड़ा टूर्नामेंट है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं? 2022 में बहुत सारे इवेंट है, मैं आपको बताऊंगा, टोटल 15 इवेंट्स है और थैंक गॉड कि वीडियोलॉफ ने अब थोड़ा सा ग्रेड सिस्टम कर रहा है तो हमें थोड़ा सा राहत मिलेगा कि हमें थोड़ा प्रैक्टिस पे भी खेल पाएंगे और टूर्नामेंट भी खेल पाएंगे। लेकिन बड़े इवेंट्स की बात करें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप है और एशियन गेम्स है, जो मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट टाइम मैं ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल से रह गया था और डबल्स में गोल्ड रहा था, लेकिन इस बार कोशिश है कि सिंगल्स में भी गोल्ड लाऊं और डबल्स में भी। एंड एशियन गेम्स में भी सेम प्रोसेस है कि एशियन गेम्स में इस बार, क्योंकि मेरे पास दो मेडल है, सिल्वर और ब्रॉन्ज, गोल्ड नहीं है, तो कोशिश करूंगा कि इस बार वो गोल्ड एशियन गेम्स में ले पाऊं। चलिए, बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ कि आप इस बार 2022 में हर बड़े इवेंट में गोल्ड जीते। और ये थे हमारे साथ मनोज सरकार, जिनके साथ आज काफ़ी चर्चा हुई। इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपनी फैमिली के बारे में बताया और साथ ही उन चीज़ों पर भी बात की जिन चीज़ों पर खिलाड़ियों को आज के दौर में बात करनी चाहिए, वो है स्पोर्ट्स में सुधार को लेकर। तो बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी तरफ से आपको आगे जिंदगी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।